तो ऐसे लगता है कि जमात के ऊपर पाबंदी की भी बात हो सकती है खुद, बल्कि उस दिन बिलावल साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं दहशतगर्दों की जमात के साथ कैसे बात करूं। आप लोगों की जमात में भी यही सेंटिमेंट आ रहा है, मौलाना भी ये कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है? देखें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहाँ तक बात है, लग सकती है तो उसका ये जो फेल है उस बुनियाद पे लग तो सकती है। दरअसल ये एक फितना है और इसके मुतल्लक मेरी तो बड़ी शुरू से राय थी कि ये फितना जो है, अगर इसका हल ना हुआ और वोट की ताकत से इसको माइनस ना किया गया तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। लेकिन इस फितने ने अपनी पार्टी को ही हादसे से दो चार कर दिया है। तो अब ये हादसे से दो चार हो चुका है, अब इसमें किस कदर जो है ये डैमेज होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे कोई, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने जो है वो शायद ये वाकयात हैं तो खैर बहुत अफसोसनाक, शर्मनाक, लेकिन इस लिहाज से शायद ये इस मुल्क और कौम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक एक अंदाज़ से जो है वो बेहतरी हुई है कि इस फितने की पूरी कौम को शनाख्त हो गई है और ये फितना जो है ये ख़ुद और इसकी जमात जो है वो हादसे का शिकार हो गई है।